नमस्कार दोस्तों, ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 16-17 नवंबर को HTET 2019 एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसी विषय में आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले HTET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करें हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहले दो क्वेश्चन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चुनना है जो हमारे दिए गए वर्ड का बेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब करता है। हमारा फर्स्ट वर्ड है फैसिनेट। फैसिनेट के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वन डिस्गस्ट, ऑप्शन टू चार्म, ऑप्शन थ्री डिटर या ऑप्शन फोर डिसुएड। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू चार्म। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना और चार्म का मतलब ये होता है आकर्षित करना। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन टू चार्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्नॉक्शियस। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन ऑफुल, ऑप्शन टू डिलाइटफुल, ऑप्शन थ्री सुएव या ऑप्शन फोर इन्फीरियर। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है भयानक और हमारा ऑफुल का मतलब ये होता है भयानक। तो हमारा जो ऑब्नॉक्स का करेक्ट मीनिंग डिस्क्राइब करेगा वो होगा ऑप्शन वन ऑफुल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, हमें नीचे दिए गए वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्क्वैंडर। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वन डिस्कार्ड, ऑप्शन टू बोर्ड, ऑप्शन थ्री कलेक्ट या ऑप्शन फोर सेव। तो फ्रेंड्स, स्क्वैंडर का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन फोर सेव, यानी कि बचाना। स्क्वैंडर का मतलब होता है खर्च करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन रिवोल्यूशनरी, ऑप्शन टू रेट्रोग्रेड, ऑप्शन थ्री ब्रेव या ऑप्शन फोर कम्बाइंड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन टू रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का अर्थ होता है पीछे जाने वाला, जो कि प्रोग्रेसिव का अपोजिट है जिसका मीनिंग होता है प्रगतिशील। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स इज गिवन, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन वन लैंटर्न, ऑप्शन टू लेबरर, ऑप्शन थ्री प्रिकेरियस या ऑप्शन फोर लेदर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड प्रीकेरियस। प्रीकेरियस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी गई है। प्रीकेरियस की सही स्पेलिंग होती है PRECARIOUS, जिसका मतलब होता है खतरनाक। अब हम अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द idioms या फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom फ्रेज। हमारे पास फ्रेंड्स अब idiom या फ्रेज दिया गया होगा, हमें उस idiom का बेस्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फ्रेंड्स फ्रेज दिया गया है वो है विद ओपन आर्म्स। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन वार्मली, ऑप्शन टू पुअर, ऑप्शन थ्री शेमफुली या ऑप्शन फोर क्लियरली। तो फ्रेंड्स, विद ओपन आर्म्स का जो बेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब करेगा वर्ड वो होगा ऑप्शन वन वार्मली। विद ओपन आर्म्स का अर्थ है वार्मली, यानी गर्म जोशी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन वन वार्मली। फ्रेंड्स, हमारा अगला फ्रेज है इन बैड ऑर्डर। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन टारगेट ऑफ अदर्स एंगर, ऑप्शन टू बी इन डिस्प्यूट, ऑप्शन थ्री स्टार्क फेलियर या ऑप्शन फोर वरीड अबाउट फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, इन बैड ऑर्डर का जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन वन टारगेट्स ऑफ अदर्स एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट है हमारे पास ही कुड नॉट डैश एनीथिंग इन द डार्क रूम। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन लुक एट, ऑप्शन टू सी, ऑप्शन थ्री सी थ्रू या ऑप्शन फोर लुक। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू सी, ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, उसे अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। द एंड ऑफ एग्जामिनेशन इज एन डैश फॉर सेलिब्रेटिंग, ऑप्शन वन चांस, ऑप्शन टू मोमेंट, ऑप्शन थ्री ओकेजन या ऑप्शन फोर अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू मोमेंट। द एंड ऑफ एग्जामिनेशन इज अ मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन, परीक्षा समाप्त होना एक सुखद क्षण था।
डिस्कशन की तरफ आइए फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी गई है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें हमारे पास जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, आई सडनली रियलाइज्ड आई वॉच। वॉच की हमें जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन वन आई एम बीइंग वॉच्ड, ऑप्शन टू हैव बीन वॉच्ड, ऑप्शन थ्री आई एम वॉच्ड, या ऑप्शन फोर वाज बीइंग वॉच्ड। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर, वॉज बीइंग वॉच्ड। जो है फ्रेंड्स, वॉज बीइंग वॉच्ड ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा ऑप्शन फोर, वॉज बींग वॉच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, इसके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड लोकेट। लोकेट की फ्रेंड्स हमें करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा 56 क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन थ्री, लोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें हमें करेक्ट वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसमें सेंटेंस दिया गया है, ऑल मैन डैश मॉर्टल। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन इज, ऑप्शन टू आर, ऑप्शन थ्री हैव, या ऑप्शन फोर वर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू आर, ऑल मैन आर मॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। इसके लिए हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन वन फ्रॉम, ऑप्शन टू विद, ऑप्शन थ्री बाय, या ऑप्शन फोर ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर ऑफ। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। हमें इसमें करेक्ट क्वेश्चन टैग फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, दिए गए अल्टरनेटिव्स में से। लेट्स हेल्प द पुअर। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन वन शैल नॉट वी, ऑप्शन टू शैल वी, ऑप्शन थ्री डू वी, या ऑप्शन फोर डोंट वी। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू शैल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही आस्क्ड मी डैश अ टीचर। ऑप्शन वन वॉज आई, ऑप्शन टू आर यू, ऑप्शन थ्री इफ आई वॉज, ऑप्शन वर यू। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पहले इस सेंटेंस का ही आस्क्ड मी डैश अ टीचर का करेक्ट डायरेक्ट स्पीच पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसका डायरेक्ट स्पीच जो बनेगा फ्रेंड्स वो होगा ही सेड टू मी आर यू अ टीचर। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ टीचर, जो कि हमारे पास ऑप्शन थ्री में दिया गया है। तो मैसेज का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन थ्री, इफ आई वॉज, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ टीचर। फ्रेंड्स, इसी साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।